दोस्तों डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को जरूर नोट करिए। तो दोस्तों एक तरफा प्यार को इंग्लिश में वन साइडेड लव कहते हैं, मुफ्त होना को इंग्लिश में बी ब्लंट कहते हैं, डिंग हाकना को इंग्लिश में बोस्ट कहते हैं, यकीन करना को इंग्लिश में सर्टेनिटी कहते हैं, भागदौड़ करना को इंग्लिश में रन अवे कहते हैं, दौड़ धूप करना को इंग्लिश में चाउस कहते हैं, मेली कुचली कपड़ा को इंग्लिश में क्लमसी क्लॉथ कहते हैं, अजीब बात है को इंग्लिश में स्ट्रेंज कहते हैं, साजिश करना को इंग्लिश में कंस्पिरेसी कहते हैं, शुरू करना को इंग्लिश में बिगेन कहते हैं, जबरदस्ती करना को इंग्लिश में टू फोर्स कहते हैं, व्यवस्था करना को इंग्लिश में टू मेक अरेंजमेंट्स कहते हैं, बेहोश होना को इंग्लिश में टू फेंट कहते हैं, मजबूर करना को इंग्लिश में टू फोर्स कहते हैं, शिकायत करना को इंग्लिश में कंप्लेन कहते हैं, उलझा हुआ को इंग्लिश में कम्प्लेक्स कहते हैं, लगातार होना को इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहते हैं, छोटा करना को इंग्लिश में शॉर्टन कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।